हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, किसका? फार्मास्यूटिक्स का। ठीक है, जैसे आपको पता ही है, अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdsfarmacy.in से, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आज हम जो चैप्टर 3 है फार्मास्यूटिक्स में, इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, जो फार्मास्यूटिकल एड्स है इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। फार्मास्यूटिकल एड्स देखेंगे क्या होता है, क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखेंगे, जैसे ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन कैसे क्लासिफिकेशन किए जाए, फंक्शन के अकॉर्डिंग, डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कलरिंग एजेंट देखेंगे, फ्लेवरिंग एजेंट देखेंगे, और स्वीटनर और प्रिजर्वेटिव देखेंगे। ठीक है, ये हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। ठीक है, द एलिमेंट हैविंग लिटिल और नो थेरोपेटिक वैल्यू बट और बेसिकली यूज्ड इन प्रोडक्शन और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स और नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स और फार्मास्यूटिकल नेसेसरीज। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड्स में ये है कि उनका कोई थेरोपेटिक वैल्यू कोई इफेक्ट नहीं होता, यानी पेन रिलीफ करने में या कोई थेरोपेटिक इफेक्ट होता ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी यूज़ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अदर फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि किसी भी ड्रग की सेल्फ लाइफ बढ़ानी हो, या कोई ड्रग है जो सनलाइट से इफेक्ट होता है तो उसको बचाने के लिए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है जिससे अवॉइड करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल एड्स को यूज़ करते हैं। उसका थेरेपेटिक कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, आप देख सकते हो, एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख देना, द एलिमेंट हैविंग लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू बट और बेसिकली यूज्ड इन प्रोडक्शन और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स और नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स या फार्मास्यूटिकल नेसेसरीज। ठीक है, ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है कि फार्मास्यूटिकल एड्स का अदर नेम क्या है, तो फार्मास्यूटिकल नेसेसरीज। ठीक है, अब हम देखते हैं द फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स इन फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म, और यानी फंक्शन क्या है वही हम बात करने वाले हैं, कि फार्मास्यूटिकल एड्स का फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन क्या है वो देखेंगे हम फार्मास्यूटिकल एड्स का। देखिए, दे ऑल्सो मॉडिफाइड द एपीआई सॉल्युबिलिटी एंड बायोअवेलेबिलिटी, यानी एपीआई पहले तो समझिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, उसकी सॉल्युबिलिटी या बायोअवेलेबिलिटी को मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, एपीआई यानी जो ड्रग हमें थेरेपेटिक इफेक्ट देता है, जो ड्रग की वैल्यू है किसी भी मेडिसिन में, या उसमें ड्रग की वैल्यू है जो हमारी जो पेन है या जो थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगा, उसी को हम बोलते हैं एपीआई। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प एपीआई टू मेंटेन देयर पॉलीमॉर्फिन फॉर्म और कन्फॉर्मेशन, यानी ये उनको पॉलीमॉर्फिन फॉर्म में या कन्फॉर्मेशन फॉर्म में भी रहने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, मेंटेन करता है। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प द लिक्विड डोजेस फॉर्म इन मेंटेनिंग देयर पीएच, यानी लिक्विड डोजेस फॉर्म को भी ये हेल्प करता है, किसमें? पीएच मेंटेन करने में। ठीक है, या ऑस्मोलिटी को मेंटेन करने में। ठीक है, देयर प्रिवेंट एग्रीगेशन और डिसोल्यूशन, यानी ये एग्रीगेशन और डिसोल्यूशन को भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड एक्टिव्स। ठीक है, दे मॉड्यूलेट द एपीआई इम्यूनिक रेस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो इम्यूनिक रेस्पॉन्स होते हैं उनको मॉड्यूलेट करते हैं। ठीक है, दे मेक अप द बल्क ऑफ पोटेंशियल ड्रग फॉर्मूला टू ऑब्टेन एक्यूरेट डोजेस फॉर्म, यानी ये क्या करते हैं कि ज़्यादा बल्क में बनाने के लिए ये हेल्प होते हैं। ठीक है, बल्क में बनाए जाते हैं जिससे क्या होती है, एक्यूरेट डोजेस फॉर्म हो जाती है। ठीक है, दे इम्प्रूव द पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी जो पेशेंट को ईजिली एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन इससे क्या है कि ये ईजिली ले एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, यानी वो ले लेते हैं। ठीक है, दे मॉडिफाइड द फॉर्मुलेशन सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग यूज एंड स्टोरेज पीरियड, यानी ये क्या करते हैं कि ये मॉडिफाई होते हैं ऐसे कि ये सेफ्टी प्रोवाइड करें जब यूज़ कर रहे हों या हम इन्हें स्टोर कर रहे हों। ठीक है, आइडल प्रॉपर्टीज कैसी होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल एड्स की, वो हम बात करते हैं। वो नॉन रिएक्टिव होना चाहिए एंड इनेट होना चाहिए। ठीक है, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और इनेट होना चाहिए। ठीक है, केमिकली स्टेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, और रेगुलस लेक्स इक्विलिब्रियम एंड प्रोसेस सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, एस्केप्टेबल ऑर्गोनोलेप्टिकली, यानी ऑर्गोनोप्टिकली मतलब इजीली मुंह से खाई जा सके। ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए। ठीक है, ये आइडल प्रॉपर्टीज हैं।
अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, ठीक है। ये हमने किसके बात कर ली है, फार्मास्यूटिकल एड्स की बात कर ली, उसके फंक्शंस देख लिए क्या क्या हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तीन तरीके से किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और डोजेस फॉर्म एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन कहाँ से होता है। पहला है एनिमल सोर्स, यानी जो एनिमल सोर्स से आता है फार्मास्यूटिकल एड्स, कौन कौन से हैं वो है, एक लैक्टोज है, गैलेटिन है, जेलेटिन है, स्टेरिक एसिड है, बी वैक्स है, हनी है, मस्क है, लोनोलिन है, ठीक है। ये और कुछ वेजिटेबल सोर्स से आते हैं, स्टार्च हो गया, पेपरमेंट हो गया, टर्मिक, ठीक है। वहीं कुछ मिनरल सोर्स से आते हैं, जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, सिलिका, टैल्क, कैलेमाइन, ठीक है। और कुछ सिंथेसिक सोर्स से, ठीक है, बोरिक एसिड हो गया, सैक्रीन, लैक्टिक एसिड। ये एग्जाम्पल थे किसके, ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब हम देखेंगे कि बेस्ड ऑन डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी सॉलिड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से यूज़ होते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से यूज़ होते हैं, या सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के कौन कौन से हैं, जैसे टैबलेट या कैप्सूल बनाने में, ठीक है, सॉल्यूशंस या सिरप बनाने में, या ऑयलमेंट या पेस्ट बनाने में, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स यूज्ड इन द सॉलिड डोजेस फॉर्म, यानी सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज़ होते हैं। देखिए डाइल्यूटेंट की तरह होती है, ठीक है, बाइंडर एंड एडेंसिव की तरह होती है, लुब्रिकेंट की तरह, ग्लेटेंट्स की तरह, डिसग्रीडेंट, सुपर इंग्रेडिएंट की तरह, कलरिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, स्वीटनर की तरह, सॉर्बेंट की तरह, या कोटिंग मटेरियल की तरह। और ये क्या है, ये एग्जाम्पल है, डाइल्यूएंट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, लैक्टोज है, डेक्सिड्रोज है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या फिन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट बताइए किसमें सॉलिड डोजेस फॉर्म में, तो आप बता सकते हो टैल्क है या स्टार्क पेस्ट है, ठीक है। या कलरिंग एजेंट पूछ सकता है, सी एन डी डाइस आप बता सकते हो, ठीक है। सॉर्बेंट्स पूछ सकता है, ठीक है, सिलिका जेल या क्ले, ये आप ये जो टेबल है इसको आप क्लियरली पढ़ के जाएं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे जीरे सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं हम वाटर को, एल्कोहल को, ठीक है, कोसॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं इथेनॉल को, सॉर्बिटॉल को, और बफर्स की तरह, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट भी हैं, एंटी फोमिंग एजेंट भी हैं, चेलेटिंग एजेंट भी हैं, और इमल्सिफाइंग एजेंट और फोसिलेटिंग एजेंट भी हैं, ठीक है। इन सबके ये एग्जाम्पल हैं, फोस्फोरेट बफर, ये किसका एग्जाम्पल, बफर का, ठीक है। बेंजाइल एल्कोहल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, पैराफिन ऑयल है, ये किसका है, एंटी फॉर्मिंग एजेंट का, ठीक है। अब हम बात करेंगे किनके अकॉर्डिंग, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव की तरह हम किसको यूज़ करते हैं, बेंजाइल एल्कोहल को, सॉल्युबलाइजर की तरह लैनोन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, एजेंट की तरह सेल्यूलोस हो गया, ठीक है, सपोस्टरी बेस की तरह ग्लिसरीन और कोकोनट ऑयल हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आते हैं, ये फिंगर बैंक्स में भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कलरिंग एजेंट की। ये तो हमने बात कर ली क्लासिफिकेशन की, फार्मास्यूटिकल एड्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो कलरिंग एजेंट है ये क्या है, इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करें इन फार्मेसी द कलरेंट और कलरिंग एजेंट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मिनरल सोर्स, यानी जो कलर्स होते हैं ये कहाँ से ऑप्टेन होते हैं, प्लांट से ऑप्टेन होते हैं, एनिमल्स से एंड मिनरल सोर्स से, ठीक है। पर्टिकुलरली यूज फॉर द पर्पस प्रोवाइडिंग कलर सो एज इम्पैक्ट प्लेजियर अपेरेंस टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक, यानी ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अच्छा सा अपेरेंस दे सकें हम अपने ड्रग को, इसलिए ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक में, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज एड कलरिंग एजेंट इन फूड एंड फॉर द अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए, यानी ये फूड में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, किसके लिए, साइकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए कलरिंग एजेंट कुछ कहाँ कहाँ से आते हैं वो हम देखते हैं। कुछ होते हैं मिनरल्स कलर्स, यानी जो मिनरल्स से आते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर यूज टू कलर कॉस्मेटिक लोशंस एंड अदर प्रिस्पिटेशन प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज, रेड, येल्लो, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनिक ऑक्साइड, प्यूरेशियस ब्लू एक्सेट्रा, ठीक है। यानी जो मिनरल सोर्स होते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, ये होते हैं कॉस्मेटिक में यूज़ होते हैं, लोशन में यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो एक्सटर्नल और भी जो बनाए जाते हैं एक्सटर्नल यूज़ के लिए, उनके लिए यूज़ होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, मिनरल सोर्स से कौन कौन से कलर आते हैं, रेड, येल्लो, फेरिक ऑक्साइड है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, ठीक है।
अब वहीं हम बात करें प्लांट कलर की, तो प्लांट कलर किस लिए काम आते हैं? दे आर जनरली ऑब्टेंड बाई एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द प्लांट्स, यानी ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट से, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है इनके? क्लोरोफिल हो गया, बी कैरोटीन हो गई, एल्जीजेरिन हो गया, इंडिको हो गया, ठीक है। वहीं अब बात करें एनिमल्स कलर्स की, तो कैरामेनिक एसिड या ब्राइट रेड कलर एजेंट एजेंट इज प्रेजेंट इन कॉर्नियल विच ऑप्टेंट फॉर द इंसेक्ट कोकस कैटिस, यानी कुछ एनिमल से भी कलर हमें पाए जाते हैं, जैसे ब्राइट रेड कलर हो गया, ये किस में पाया जाता है? कॉर्नियल, प्रेजेंट इन कॉर्नियल में। ये किस में होता है, कौन से इंसेक्ट में होता है? ये कोकस कैटिस में होता है, ठीक है। दे आर यूज्ड एज सिंथेटिक कलरेंट की तरह भी इसे यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंथेटिक कलर। इन एलियन डेज एनिलीन वॉज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक कलर्स, यानी क्या है कि ओल्ड मतलब कुछ सालों पहले क्या है, एनिलीन को हम यूज़ करते थे किस में? कल सिंथेटिक कलर बनाने में, ठीक है। सिंस ऑल द सिंथेटिक कलर आर नॉट फिट फॉर द वुमेन, यानी जैसे पता चला कि सारे ही कलर वुमेन के लिए फिट नहीं है, जो सिंथेटिक कलर हैं वो वुमेन के लिए फिट नहीं है, वुमेन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, ठीक है। दे फॉर गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री हैव अप्रूव्ड ओनली सम स्पेसिफिक कलर, यानी उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ ही कलर जो अप्रूव किए जो यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, इन दी प्रिपरेशन में, ठीक है। ये चार तरह के कलर हैं, मिनरल्स है, प्लांट है, एनिमल है और सिंथेटिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल 1945 इन इंडिया हैज़ परमिटेड टू यूज़ फॉलोइंग कलर्स इन ड्रग्स, यानी ये कुछ कलर्स थे जो यूज़ करने के लिए अनुमति दी गई थी, ठीक है। कोलतार कलर हो गया, एमरथन हो गए, ग्रीनेस, ये कोलतार कलर्स हैं, एमरथन है, ग्रीनेस और ऑरेंज, पेटेंट ब्लू, ठीक है। वहीं लेक ऑल एल्यूमिनियम और कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द एनी वाटर सॉल्युबल फूड डाइस, ठीक है। ये आप क्लासिफिकेशन देख सकते हो कलरिंग एजेंट का, कलरिंग एजेंट का क्लासिफिकेशन देख सकते हो। दो तरह के होते हैं, नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल में हम बात कर चुके हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की और मिनरल्स की, ठीक है, इन तीनों की हम बात कर चुके हैं। और जो सिंथेटिक कलर होते हैं इनके भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप देख कर जरूर जाए, ठीक है। प्लांट से पूछे जा सकते हैं एलिजेरिन, इंडिगो हो गया, फेरिक ऑक्साइड, मिनरल्स है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये क्लासिफिकेशन है, ये पहले कलरिंग एजेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है, नेचुरल कलर एंड सिंथेटिक कलर। नेचुरल कलर में तीन डिफरेंट डिफरेंट्स में है, एनिमल्स में, प्लांट्स में और मिनरल्स में, ठीक है। और वहीं पर सिंथेटिक की बात करें तो कोलतार होते हैं, लेक्स भी होते हैं, ठीक है। अब सेलेक्ट कैसे करते हैं हम कलर को वो हम देखते हैं, ठीक है। द सर्टिफिकेशन स्टेटस एंड एनेस्थेसिस ऑफ ए डाइस, ठीक है। द फिजोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइज भी देखते हैं, ठीक है। पीएच एंड पीएच स्टेबिलिटी ऑफ द लिक्विड प्रिपरेशन देखते हैं। द डाइज मस्ट बी फोटो स्टेबल होने चाहिए, ठीक है। पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर पॉपुलेशन, ठीक है। अब एडवांटेजेस की बात करें, दे प्रोवाइड ग्रेसी एंड बेटर आई अपेयरेंस कैरेक्टर टू द प्रोडक्ट, ये तो पता ही है। एडवांटेज क्या है? फर्स्ट एडवांटेज, ये बेटर आई अपेयरेंस देता है किसी भी ड्रग का या प्रोडक्ट का, ठीक है। फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग इन एलियर स्टेट, कलर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फास्ट रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द मेडिसिन, यानी कभी कभार क्या होता है कि फास्ट रिकॉग्नाइज करने के लिए, जैसे स्नेक बाइट में क्या है कि टैबलेट देनी होती है, तो उससे क्या है कि कलर से आप इजीली पता कर सकते हो कि कौन सी टैबलेट हमें देनी है एट ए टाइम, ठीक है। उससे बहुत बेनिफिट मिलता है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स ऑफ मेडिसिन कैन ऑल्सो हेल्प द डॉक्टर आइडेंटिफाइंग ड्रग गिविंग टू द पेशेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ट्रीटमेंट, यानी प्रीवियस ट्रीटमेंट में हमने क्या ड्रग्स दी थी और आगे क्या देनी है, इससे भी हम जो कलर जो मेडिसिन ड्रग के कलर होते हैं उससे भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर बिकम फेमिलियर विद द कलर ऑफ प्रोडक्ट एंड हेल्प इन द स्केल ऑफ मेडिसिन, यानी सेल ऑफ मेडिसिन, यानी जो डॉक्टर होते हैं ये क्या है कि ये कलर से फेमिलियर हो गए हैं प्रोडक्ट से, इससे क्या है कि सेल ऑफ मेडिसिन भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब बात करें डिसएडवांटेज की, द कलरिंग प्रॉपर्टी ऑफ नॉच नॉट मच एलिगेंट, ये बहुत ज़्यादा एलिगेंट नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट शो देयर लास्टिंग इफेक्ट इन सोल्यूशन, यानी ये अपना सोल्यूशन में इफेक्ट नहीं शो करता है ज़्यादा, लास्टिंग मतलब ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक अपना इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। समटाइम्स द इफेक्ट ऑफ सनलाइट फेड्स द कलर ऑफ कोलतार, यानी क्या होता है कि सनलाइट जो होती है ये क्या करती है, कोलतार के कलर को फेड कर देती है, ठीक है। मैनी कलर्स बिहेव एज फीबल इंडिकेटर एंड एडल्ट्रेशन इन पी एच मे बी एक्यूमुलेट बाई द चेंजेस इन कलर टिंकोइल पाउडर, ठीक है। यूजेस की बात करें, फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए ये हमें पता है,
और इंक्रीज स्केलेबिलिटी ऑफ टू पेशेंट, यानी पेशेंट इजीली लेने की क्षमता ज़्यादा बढ़े ड्रग की, ठीक है। टू गिव वार्मिंग टू प्रोडक्ट स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ठीक है, प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड प्रिपरेशन बना सकें, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्लेवरिंग एजेंट की। तो फ्लेवरिंग एजेंट प्ले ए वाइटल रोल इन द मास्किंग द फ्लेवर। फ्लेवरिंग एजेंट यानी मास्किंग मतलब किसी भी जो अदर टेस्ट होता है उसको मास्क करने में, यानी उसको कवर करने में फ्लेवरिंग एजेंट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिस्कवरेबल टेस्ट को, ठीक है, ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म यूज फॉर द ओरल पर्पस, ठीक है। यानी जो डिसएग्रेबल टेस्ट होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म को, उसको मास्क करने के लिए फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पेशेंट कॉम्प्लीस सर्टन एंटीबायोटिक मैस्ट्रेट इन द माउथ एंड चेबल टैबलेट ऑफ द एंटासिड और जनरली स्वीटन एंड एडेड इन द फ्लेवरिंग एजेंट। यानी कुछ ऐसे चेबल टैबलेट या कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो क्या है जिनमें स्वीटनर यूज़ किए जाते हैं, किसके लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, ठीक है। सूटेबल मास्किंग देखें तो कौन कौन सा, जैसे सॉल्टी करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, एपिक्रोट या बटर सॉस या वेनेला, ठीक है। और बिटर टेस्ट करने के लिए चॉकलेट को या वाइल्ड चेरी को, स्वीट टेस्ट के लिए वेनेला फ्रूट बेरीज, ठीक है। सोर टेस्ट के लिए सिट्रस फ्रूट और रसबेरी, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो फ्लेवरिंग एजेंट चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्वीटनिंग एजेंट होते हैं और फ्लेवर सिरप होती है, एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं और सिंथेटिक फ्लेवर्स होते हैं, ठीक है। और स्वीटनिंग एजेंट के क्या है, सुक्रोज हो गया, सैक्रिन हो गया, ठीक है। फ्लेवरिंग सिरप की बात करें तो फ्रूट सिरप हो गए, वेजिटेबल सिरप हो गए, कोकस सिरप हो गए, ठीक है। अब वहीं एरोमेटिक ऑयल की बात करें तो वॉलेटाइल ऑयल हो गए, लेमन हो गया, पेपरमेंट हो गए, ऑरेंज हो गया, जिंजर हो गया, ठीक है। और सिंथेटिक फ्लेवर की बात करें तो वेनेला हो गया, बेंजीएल्डिहाइड हो गए, ठीक है। ये है चार तरीके के फ्लेवरिंग एजेंट के, ठीक है। अब सेलेक्शन क्राइटेरिया कैसे करते हैं, तो द क्वालिटी ऑफ टेस्ट ऑफ द फ्लेवर, यानी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्वालिटी क्या है टेस्ट की, उसके उसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सूटेबल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेवर कलर एंड स्वीटनर, यानी कॉम्बिनेशन को सूटेबिलिटी देखते हैं, फ्लेवर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कलर के साथ कंपेरेबिलिटी है या सूटेबल है या नहीं, स्वीटनर के संग सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। और प्रिपरेशन कौन से टाइप का है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ठीक है। पेशेंट की एज क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जनरल लाइकिंग या डिसलाइकिंग ऑफ द इंडियन यूजर्स को भी, ठीक है। बेस्ट फ्लेवर फॉर दी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज यूजुअली सेलेक्टेड बाय फॉर्मिंग ए पैनल एंड बाय कॉन्स्टेंस ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट इज मास्कड बाय द फ्लेवरिंग एजेंट। ये तो पता ही है, मेडिकामेंट का कोई भी जो अनप्लेजेंट टेस्ट होता है उसको मास्क करते हैं, ठीक है। दिस एजेंट हेल्प इन द इंक्रीजिंग पेशेंट कॉम्प्लीस फॉर द टैबलेट दस और चेवेबल, यानी जो चेवेबल टैबलेट होती है उनको ईजिली ये लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, दे आर सर्टन इंट्रोलेबल फ्लेवर डेट के नॉट बी मास्क, एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेल फॉर एक्सट्रेट विच इज इनिशियल स्वीटर देन असिस्टेंट एंड फाइनली बेटर इन टेस्ट। यानी कुछ क्या होता है, इसके डिसएडवांटेज ये है कि कुछ देर के लिए वो अपना टेस्ट जो है शो करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, यानी रिमूव हो जाते हैं या अपना चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये मेन डिसएडवांटेजेस था, ठीक है। द फॉर्मुलेशन मेन फॉर द पेशेंट ऑन रिड्यूसिंग डाइट और डायबिटीज डू नॉट कंटेन द स्वीटनिंग एजेंट दैट इंक्रीज द कैलोरी एंड ब्लड शुगर लेवल। यानी कुछ जो क्या है कि डायबिटीज के पेशेंट होते हैं लेकिन फिर भी उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाले हुए होते हैं, तो उससे क्या होता है, कैलोरीज इंक्रीज होते हैं और ब्लड शुगर लेवल में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो फ्लेवरिंग एजेंट एड्स इन मास्किंग द डिसएग्रेबल ऑर्डर टेस्ट ऑफ द मेडिकामेंट सो दैट इंक्रीज पेशेंट एक्यूपरेंस टूवर्ड द ड्रग। ये एक पॉइंट, देर इंड्यूज ए एस्केपेबिलिटी फ्लेवर इन मेडिकामेंट, ठीक है। स्वीटनेस एंड स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और द कॉन्स्टिट्यूएंट दैट आर एडेड टू द ड्रग प्रिपरेशन टू मास्क इट्स बिटर टेस्ट द मोस्ट वाइड यूज इन नेचुरल स्वीटनिंग इन द शुगर, ठीक है। यानी स्वीटनिंग टेस्ट किस लिए, जो मास्क करने के लिए, बिटर टेस्ट को मास्क करने के लिए हम स्वीटनिंग एजेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा स्वीटनिंग एजेंट में हम किस को यूज़ करते हैं, शुगर को, ठीक है। इट गिव्स वाइसोसिटी टू ड्रग एंड ऑल्सो एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर लिक्विड डोजेस फॉर्म। देयर आर टू वेराइटीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच आर यूज्ड एज स्वीटनर्स, यानी दो तरह के स्वीटनर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक है नेचुरल स्वीटनर, एक है आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है। ये रिक्लासिफिकेशन में भी देख सकते हो, नेशनल स्वीटनर एजेंट दो तरीके होते हैं, न्यूट्रेटिव होते हैं, नॉन न्यूट्रेटिव होते हैं। न्यूट्रेटिव यानी लेस न्यूट्रिएंट, लेस स्वीट होते हैं, लेस कैलोरीज होते हैं, जैसे सॉर्बिटल हो गया, मैनिटॉल हो गया। अगर वहीं पे बात करें नॉन न्यूट्रेटिव की, तो इसमें स्वीटनर्स हो गए
और हैविंग हाई कैलोरीज, ठीक है, यानी नॉन न्यूट्रेटिव, यानी इसमें कोई न्यूट्रेटिव वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा स्वीटर होते हैं और ये कैलोरीज भी ज़्यादा होते हैं। एस्पर्टम हो गया, सैक्रिन हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देख सकते हो, स्वीटनर प्रोवाइड ए सब्स्टिट्यूशन टू शुगर विदाउट द रिलेटेड एनर्जी, ठीक है, फॉर दोज मेनली हैविंग स्वीट टूथ। दे और वेरियस वे बाई विच स्वीटनर कैन बी एडेड इन टू द डाइट, यानी अलग अलग वेज हैं जिससे क्या है कि स्वीटनर्स हम डाइट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्वीटनर इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। एन आर्टिफिशियल टेबल टॉप स्वीटनर कैन बी यूज्ड इन केस इंडिविजुअल इन रेजिडेंट कैप कप ऑफ द टी और कॉफी, ठीक है। इन केस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द स्वीटनर ए नेचुरल इंटेंस स्वीटनर इज प्रिफेर्ड ओवर अदर स्वीटनर हैज दे आर मोर हीट स्टेबल, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो वेट कंट्रोल में भी ये हेल्प करता है, ठीक है, और डायबिटीज में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, दे और कॉज डेंटल कैविटी, कॉज करता है ब्लड शुगर लेवल में, कैलोरीज भी इंक्रीज होता है, ये भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। दे इंक्रीज द राइज ऑफ कैंसर एंड मे डिस्ट्रॉय ब्लड शुगर एंड इंटेस्टाइनल हेल्थ को भी ये इफेक्ट करता है, ठीक है। दे मे रिजल्ट इन वेट गेन और पूर न्यूट्रिशन में भी ये शो करता है, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो सैक्रिन कैन बी यूटिलाइज टू स्वीटनर कैंडी ड्रिंक में और टूथपेस्ट में यूज करते हैं, ठीक है। लैक्टोज को हम फिलर फाउंड इन द वेरियस प्रोडक्ट्स मेनली स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। सॉर्बिटॉल और मेनली यूज्ड एज लेक्सेटिव और रिलीफ कंसम्पशन की तरह हम सॉर्बिटॉल को यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिजर्वेटिव्स की, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हैं, प्रिजर्वेटिव इज ए नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द प्रोडक्ट, यानी ये एक नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंस है जो प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है, फूड में, फार्मास्यूटिकल्स में, पेंट में, बायोलॉजिकल सैंपल्स में, वुड्स में, ठीक है। किसके लिए? डिकम्पोजिशन बाय द माइक्रोबियल ग्रोथ और अनवांटेड केमिकल चेंजेस होने को रोकने के लिए, ठीक है। यानी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो पाए हमारे जो भी प्रोडक्ट है उसमें, और केमिकल चेंजेस भी नहीं हो पाए, ठीक है। दिस और केमिकल्स डेट आर कॉमनली एडेड टू मेन फूड एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ, ठीक है, सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके, ठीक है, फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनकी, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स और एडेड स्पेशली टू द प्रोडक्ट हैविंग ग्रेटर वाटर कंटेंट टू प्रिवेंट देम फॉर एडल्ट्रेशन एंड डिग्रेडेशन बाई माइक्रोबियल वाइल शॉर्टनिंग, ठीक है। यानी इसमें क्या है कि वाटर जो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब जिस प्रोडक्ट में वाटर सबसे ज़्यादा होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव और एडेड इन द फूड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड दैट मे कॉज डिसीज, ठीक है। ये फूड में भी यूज़ किया जाता है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक सके और ईस्ट की ग्रोथ को भी और मोल्ड्स की ग्रोथ को भी, ठीक है। एडेड प्रॉपर्टीज की बात करें, इट शुड नॉट बी नॉन इरिटेंट, नहीं होना चाहिए, नॉट इरिटेंट नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव फिजिकल एंड केमिकल स्टेबल होना चाहिए, इट शुड बी कॉम्प्लिकेबल विथ अदर इंग्रेडिएंट एडेड इन द फॉर्मुलेशन, यानी जो फॉर्मुलेशन में हम जो अदर इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ कॉम्प्लीमेंटेड होने चाहिए, ठीक है। इट शुड बी गुड एंटी माइक्रोबियल एजेंट और शुड एक्साइड विद द रेंज ऑफ द एक्टिविटीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्रिजर्वेटिव तीन तरीके के होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, एंटी माइक्रोबियल होते हैं, चिलेटिंग एजेंट होते हैं। तो एंटी ऑक्सीडेंट में विटामिन ई, विटामिन सी हो गए, ठीक है। वहीं एंटी माइक्रोबियल एजेंट की बात करें तो बेंजोइनेट है, सॉर्बिटेट, सिट्रिक एसिड और पॉलीफॉस्फोरेट, ये किसके हैं? चिलेटिंग एजेंट की तरह, ठीक है। अब बेस्ड ऑन सोर्स की बात करें तो नेचुरल से भी आते हैं, आर्टिफिशियल से भी आते हैं। नेचुरल से नीम ऑयल हो गया, लेमन हो गए, हनी हो गया, बेंजोइड नाइट्रेल और फोरफिनॉट प्रोफिनॉइड्स, ये किसमें? आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स में, ठीक है। सेलेक्शन क्राइटेरिया, इट शुड बी स्टेबल एंड हाईली इफेक्टिव इवन इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये हाईली इफेक्टिव होना चाहिए स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में भी हम अगर यूज़ करें तो। इट शुड नॉन रिएक्ट विद द अदर इंग्रेडिएंट, सेम वो ये कि जो अदर इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ रिएक्ट नहीं हो, ठीक है। इट मस्ट बी ईजिली सॉलेबल इन डिजायर वेकल्स, वो ईजिली सॉलेबल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड कलरलेस होना चाहिए, ठीक है। द फिजोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रिजर्वेटिव शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाई द पीएच, ठीक है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी सेंसिटिव इफेक्ट, टॉक्सिक या इरिटेंट, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, दे हेल्प इन द मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी विद द टेक्सचर एंड प्रोवाइडिंग थिकनेस, यानी थिकनेस को मेंटेन करता है, किसकी को? जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो सिरप होते हैं उनकी थिकनेस को, यानी उसके जो गाढ़ापन होता है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। दे ऑल्सो इंक्रीज द अपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट टू मेक इट लुक
इटेबल एंड सेफ टू कंज्यूम फॉर द रेस्पेक्टेबिलिटी अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करें, ग्रुप ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द फ्रूट ड्रिंक टी कॉफी बेंजोल डेट कॉज एलर्जिक रिएक्शन, यानी मेन पॉइंट क्या है कि डिसएडवांटेज इसका भी है, अगर हम ज़्यादा ग्रुप ऑफ प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं फ्रूट ड्रिंक्स में, टी में या कॉफ़ी में, तो उससे क्या है एलर्जी हो जाती है, एलर्जी रिएक्शन होते हैं, एस्टम आता है या स्किन रैशेज, ये भी प्रॉब्लम हमें होती है, ठीक है। यूजर्स की बात करें तो प्रिजर्वेटिव और एडिटिव फूड टू फाइट स्पॉइल कॉज बाई द बैक्टीरिया मोल्स फंग्स एंड ईस्ट, यानी स्पॉइल ना हो इसलिए हम इसे फूड में यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव कैन ऑल्सो कीप फूड फ्रेश फॉर द लॉन्गर पीरियड, के लिए ये फूड को फ्रेश की तरह रख सकता है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेटिव ऑल्सो यूज टू स्लो और प्रिवेंट चेंजेस कलर फ्लेवर टेक्सचर एंड डिले रेंडिटी, ठीक है। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं आज, प्रिजर्वेटिव की बात कर चुके हैं, स्वीटनर एजेंट की और जो है फ्लेवरिंग एजेंट की, ठीक है, और कलरिंग एजेंट की, और ये फार्मास्यूटिकल एड्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, और हमारे जो नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो अगर तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी आप ज्वाइन हो जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। टेलीग्राम पर हम डेली MCQ डालते हैं, वहाँ से आप जाके MCQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।